Hello and good morning, students. Welcome to My Pathshala. My name is Navya and thank you so much for tuning into My Pathshala. रोज की तरह एज प्रॉमिस मैं आपके लिए 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को एंड तक थरेली देखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और कोशिश यही करना कि वीडियो चलने के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो जाएं। उसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। सो चलो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रेस्टीजियस सुमित्रा चरत राम अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। प्रेस्टीजियस सुमित्रा चरत राम अवार्ड के सम्मान से किसको सम्मानित किया गया इन चारों में से? अब आपने क्वेश्चन सुन लिया, अब आपने करना क्या है, वीडियो को कर दो पॉज, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर बताओ, जो भी आपको लगता है इन चारों में से सही आंसर होगा। उसके बाद में वीडियो को रेज्यूम करो और जो आंसर मैं बता रही हूँ वो सुनो। इससे क्या होगा, आपको क्विज खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको वीडियो के दौरान ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये जो सुमित्रा चरत राम अवार्ड है, ये मिला है उमा शर्मा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। देखो, ये जो उमा शर्मा है, ये कथक डांसर है, ठीक है। इनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस की फील्ड में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए इनको ये सुमित्रा चरत राम अवार्ड मिला है। इनको ये अवार्ड मिला है जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं करण सिंह, और जो सेरॉट प्लेयर है उस्ताद अमजद अली खान के द्वारा इनको ये अवार्ड मिला है। उमा शर्मा इंडिया के कल्चरल ट्रेडिशन में जो इनका योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा क्लासिकल डांस के थ्रू, उसके लिए इनको पद्म भूषण का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये थी डिटेल्स इस क्वेश्चन की, कि इनको ये जो अवार्ड है सुमित्रा चरत राम अवार्ड, ये क्यों मिला है, और इनके बारे में कुछ ब्रीफ में मैंने आपको इनकी डिटेल्स बताई हैं। आपको आई होप ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप चाहो तो हर एक डिटेल का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। नाउ आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। JCB प्राइस फॉर लिटरेचर 2022 के विनर इनमें से कौन है? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। JCB प्राइस फॉर लिटरेचर 2022 के विनर इनमें से कौन है? सो द राइट आंसर इज खालिद जावेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। खालिद जावेद जो कि एक ऑथर है, इनकी बुक द पैराडाइज ऑफ फूड को ये जो अवार्ड है, ये जो प्राइज है, मिला है किसका? 5th JCB प्राइज फॉर लिटरेचर का इनको, इनकी इस बुक को प्राइज मिला है। आपको मैं बता दूं, ये बुक उर्दू में थी जिसको बैरन फारूकी ने ट्रांसलेट किया। इस बुक में एक स्टोरी बताई गई है एक मिडिल क्लास जॉइंट मुस्लिम फैमिली की। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ई गवर्नेंस की 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम क्या होगी? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। ई गवर्नेंस 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द डिटेल्स। देखो, ये जो 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस है ई गवर्नेंस की, ये हुई कटरा जम्मू एंड कश्मीर में। कब से कब तक होगी ये? 26-27 नवंबर तक होगी, यानी कि अभी ये हुई नहीं है, ये कल से स्टार्ट होगी, 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलके जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। नेशनल अवार्ड्स जो ये हैं ई गवर्नेंस की फील्ड में, ये प्रेजेंट किए जाते हैं 5 कैटेगरीज के अंडर। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल इंडियन एम्बेसी ने कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल इंडियन एम्बेसी ने कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया?
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ कोरिया. नाउ इसकी कुछ अगर हम डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो 2022 में ये फिल्म फेस्टिवल हुआ है, ये 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल है. ये कहाँ हुआ है? बुसान साउथ कोरिया में. ये जो फेस्टिवल है इसमें स्क्रीनिंग की जाएगी किसकी किसकी? अवार्ड विनिंग, क्रिटिकली एक्लेम्ड, पॉपुलर हिंदी फिल्म्स की, रीजनल फिल्म्स की यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी और इन फिल्म्स को कोरियन सबटाइटल्स के साथ में दिखाया जाएगा. कहाँ पर? बुसान सिनेमा सेंटर में. ये जो फिल्म्स हैं ये जब दिखाना स्टार्ट की गई, यानी कि 18 नवंबर 2022 को जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, तो स्क्रीनिंग में पहली मूवी जो दिखाई गई वो थी पद्मावत. नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी. समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. प्रेस्टीजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से इनमें से किसको सम्मानित किया गया? आई रिपीट द क्वेश्चन. डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से इनमें से किसको सम्मानित किया गया? सो द राइट आंसर इज रवि कुमार सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द डिटेल्स. आपको मैं बता दूं ये जो इनको पुरस्कार मिला है, रवि कुमार सागर को ये मिला है, जो भी सोसाइटी की तरफ इन्होंने सर्विसेज अपनी दी हैं अभी तक उसके लिए. और मैं आपको बता दूं रवि कुमार सागर यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं इंडिया के, यानी कि ये इंडिया के जो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें से एक आते हैं. कौन? रवि कुमार सागर. ठीक है, ये जो अवार्ड है, ये जो प्राइज है, ये हर साल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पर उन लोगों को, उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को दिया जाता है जिन्होंने सोसाइटी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं. ये अवार्ड जो है ये हर साल होस्ट करते हैं वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन. आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. कौन से स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड जो क्लब है उसको छोड़ा है? आई विल रिपीट द क्वेश्चन. इन चारों में से कौन से स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को छोड़ा है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. अब अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो इन्होंने, ये जो स्टार स्ट्राइकर है, इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ा है. आपको मैं बता दूं जैसे ही इनका म्यूचुअल अग्रीमेंट हो जाएगा रेड डेविल क्लब्स के साथ, उसके बाद में तुरंत ही ये मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ देंगे. आपको मैं बता दूं कि कुछ रिसेंटली इनके इंटरव्यूज़ में इन्होंने इस क्लब के बहुत सारे इश्यूज की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा निंदा करी है. नाउ आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी. समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया के साथ में हाल ही में कौन सी कंट्री ने पास किया? आई रिपीट द क्वेश्चन. कौन सी कंट्री ने हाल ही में इंडिया के साथ में FTA पास किया? अब देखो FTA के बारे में पहले जान लो, इसका आंसर जानने से पहले जान लो कि FTA होता क्या है. देखो जब दो कंट्रीज़ के बीच में ये अग्रीमेंट हो जाता है, दैट इज़ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, उसके बाद में जब हम आपस में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये अग्रीमेंट अगर पास हो चुका है, तो इनके बीच में जो भी ट्रेडिंग वगैरह होगी, जो भी बिजनेस होगा, उसमें ये ड्यूटी फ्री एक्सेस दे सकेंगे एक दूसरे को. जैसे कि टैक्स वगैरह नहीं लगेगा ज़्यादा, जो भी ये सर्विसेज या गुड्स ले रहे हैं एक दूसरे से, उसमें टैक्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगेंगे. तो उसके लिए ये FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया जाता है. ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया, लेकिन इस अग्रीमेंट के अंडर और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं. नाउ कौन सी, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कौन सी कंट्री के साथ में हाल ही ने इंडिया ने ये FTA साइन किया है, यानी कि ये जो FTA है ये पास किया है. सो द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. देखो ये जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट है, उन्होंने हाल ही में FTA जो है पास किया है इंडिया के साथ में. ये अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने. ये एक बार इम्प्लीमेंट जब हो जाएगा FTA दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो इंडिया आराम से ड्यूटी फ्री एक्सेस कर पाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, बहुत से सेक्टर्स में, यानी कि 6000 सेक्टर्स में इंडिया ऑस्ट्रेलियन मार्केट में एक्सेस कर पाएगा ड्यूटी फ्री एक्सेस. इनमें से कुछ सेक्टर्स के नाम हैं टेक्सटाइल्स, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी एंड मशीनरी. ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ऑफर कर रहा है डे वन से ही इंडिया को 0 ड्यूटी एक्सेस
कितने का, कितने एक्सपोर्ट का, 96.4% ऑफ एक्सपोर्ट का डे वन से ही हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जा रहा है बाय ऑस्ट्रेलिया। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अरिता पत्ती नोटिफाई हुआ है पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, आपको मुझे यहाँ पे ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट में है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन, कौन सी स्टेट का फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट नोटिफाई किया गया है अरिता पत्ती को। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। नाउ इसकी कुछ अगर हम डिटेल्स के बारे में बात करें तो अरिता पत्ती विलेज जो है ये मदुराई डिस्ट्रिक्ट में है, इसको नोटिफाई किया गया है फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर, इस साइट के अंदर 250 बर्ड स्पीशीज़ होंगी, जिसमें से 3 रेप्टर स्पीशीज होंगी और यहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रेप्टर स्पीशीज के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने PPT में डाल रखा है, और वाइल्ड लाइफ के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। कौन से इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है वर्किंग पेपर जिसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया की रैंकिंग कैसे गिरी है ऑन ग्लोबल इंडाइसेस। आई विल रिपीट द क्वेश्चन, कौन से इंस्टीट्यूशन ने वर्किंग पेपर इशू किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया की रैंकिंग कैसे डिक्लाइन हुई है ऑन ग्लोबल इंडाइसेस। नाउ द राइट आंसर इज, आप मुझे इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको इसमें बताती हूँ, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द डिटेल्स, इसको जो टाइटल है यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ये जो इशू किया गया है वर्किंग पेपर, इसका टाइटल है व्हाई इंडिया डस पुअरली ऑन ग्लोबल परसेप्शन इंडाइसेस केस स्टडी ऑफ 3 ओपिनियन बेस्ड इंडाइसेस। इंडाइसेस का मतलब होता है सूचकांक, ठीक है। ये इसका मीनिंग ये है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई गई हैं जो भी आ रही हैं मेथोडोलॉजी की, जो यूज़ किया गया है इन ओपिनियन बेस्ड इंडाइसेस में। ये जो पेपर है इसमें एनालाइज किया गया है, इसमें पूरा एनालाइजेशन दिया गया है जो भी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, VDEM इंडाइसेस और EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, इन सब का जो एनालिसिस है वो इस वर्किंग पेपर में दिया गया है। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। एज पर द रीसेंट OECD रिपोर्ट, वॉट इज द GDP फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फिनेंशियल ईयर 23। आई विल रिपीट द क्वेश्चन, OECD रिपोर्ट के हिसाब से GDP फोरकास्ट फॉर इंडिया फिनेंशियल ईयर 2023 की जो रिपोर्ट है वो क्या है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन, OECD रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की GDP फोरकास्ट फिनेंशियल ईयर 23 में क्या है। सो द राइट आंसर इज 6.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको मैं बता दूं कि ये जो डोमेस्टिक ग्रोथ है ये गिर गई है, पहले ये थी 6.9% और अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये हो गई है 6.6%, जो कि है इंडिया की GDP रिपोर्ट इन फिनेंशियल ईयर 23। ये हायर मीडियम टर्म ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और स्लोइंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो गिरावट आई है इस रिपोर्ट में वो क्यों आई है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, और जो भी हमारी जो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस वो जो स्लो डाउन हो रही है उसकी वजह से परसेंटेज में ये गिरावट आई है। आपको मैं बता दूँ कि इंडिया सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अगर आप G20 कंट्रीज में देखो फॉर द ईयर फिनेंशियल 23। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपने मेरे बताए टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से पढ़ाई की है तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। रोज़ सुबह 7 बजे मेरी ये 10 करंट अफेयर की क्लास आती है, तो आप इसको रोज़ माय पाठशाला पे ट्यून इन करके देख सकते हो। सो नाउ दिस इज़ मी नव्या साइनिंग ऑफ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन व्हाट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।